मेरा 98 में एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर कट गया। जैसा अभी मेरा जैसा पोजीशन था 98 में एक्सीडेंट होने के बाद, मैं तो सोचा था कहीं जहर खा लूँ नहीं तो भीख मांगने लगूँ। यही दोनों रास्ता था मेरा। 8 क्लास तक पढ़ाई करके मैं क्या क्या नौकरी करूँ, किसका पास जाऊँ, कौन रखेगा मेरे को? ना लेबर में लेगा, ना कहीं लिखा पढ़ा में लेगा, कोई कहाँ लेगा मेरे को? ये पैर वाला मशीन पहले था, पाँव में दबा जाता है, तो मैं तो उसमें काम नहीं कर पाऊँगा। फिर मेरा काम को मैं 2004 से शुरू किया। पहले मतलब पैसा का दिक्कत आया, लोग से भी मांगा, घर से भी कुछ, जैसे समझ लिया आपका साथ मेरा परिचय हो गया, आपको हम मेरा कहानी बताया, मैं इसे कुछ करना चाहता हूँ, आपको मन लगा तो मेरे को 200, 300, 500 जो बने आप दे दिए मेरे को, ऐसे हिसाब से हम ये रिसर्च किया था। आदिवासी लोग मेरा मयूरभंज जिला से जाते थे बाहर खटने के लिए, वो लोग और नहीं जाते, ये मशीन लेके मेरे से पता मतलब ये करते, उसका एक मशीन जाने से उन लोग का परिवार उसमें मतलब एंगेज हो जाते हैं। बहुत पाउच आगे दादन खटते जाते बाहर खटुते खरा वर्षार, एवं घर बस के आराम से इनकम कर पार्छ, दी पैसा हो पार्छ, छुआ मानी भल आदेश चली पार्छ, खुशी रोचे। आगु मूलिया खटुले खरा वर्षा एना ना बहुत आनंद रे चलते। इसमें मेरे को सेल्को फाउंडेशन से मतलब सपोर्ट मिला है, मशीन कटलॉक, ये सोलार में कैसे ये चलेगा, दो हम सोलार ऑलरेडी हम कर चुका है, वो भी चल रहा है। देखिए मेरे को क्या मिलेगा वो नहीं सोच के हम मतलब किया था, मैं सोचा था मैं भी कुछ रोजगार करूँ, यही सोचा था, लेकिन कितना रोजगार करूँ वो मालूम नहीं था। 5 रुपया, 10 रुपया या 50 रुपया, 500 रुपया, 5 लाख, 5 हज़ार ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अभी मैं सपना में जो सोचा नहीं था मेरे को मिल गया।